महाराष्ट्र में पड़ता है, चंद्रपुर जिला नागपुर के पास में है। बहुत पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर आप निवास करते हैं, वहाँ पर शेरों का आवागमन रहता है अगर रात्रि हो जाए या सावधानी ना बरती जाए। और ऐसे जगह पर आप निवास करते हैं जहाँ पर दिन में ही शेर दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर एक घटना भी हो गई है भिक्षु हमारे भिक्षु को, हाँ आपके भिक्षु को एक हमला हो करके उनको शेर ने हमला भी कर दिया था जिसकी जान चली गई थी। ऐसे जंगल में आप निवास करते हैं और आज आप कुशीनगर में आए हैं, तो आप कुशीनगर चंदपुर के बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल पर बताइए। बंदा महंत जी, सारी सुखी हों तो मंगल हों। महाराष्ट्र जहाँ पर वो सेंट्रल महाराष्ट्र में नागपुर की दीक्षा भूमि पर, यहाँ जो जिनका 67वां जो जन्म दिवस बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, अगर महापंडित पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरा जी, जिनके गुरु जी गुरु चंद्रमणि, उनके ही उपस्थिति में जो दीक्षा समारोह हुआ, बाबा साहब अंबेडकर जो बोधिसत्व हुए, जो उन्होंने यह द्वितीय बुद्ध शासन की वो जड़ों को मजबूत किया, जो नींव बने और द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार बन करके 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर उन्होंने 7 लाख लोगों को दीक्षा दी, 22 प्रतिज्ञाओं का वो क्राइटेरिया, नया जीवन का क्राइटेरिया निर्माण किया, और 16 अक्टूबर को चंद्रपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में 3 लाख लोगों को दीक्षा दी, इसलिए चंद्रपुर प्रसिद्ध है। दूसरी बार जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा दी 16 अक्टूबर 1956 को शाम को 7 बजे चंद्रपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर दीक्षा दी, इसीलिए बहुत जोरों शोरों से 16 अक्टूबर को सारे जोरों शोरों से जो धर्मांतरण जो धम्म क्रांति का दिन बड़े धूमधाम से चंद्रपुर नगरी में मनाया जाता है। बहुत पब्लिक आ गया, अब तो इस पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, बहुत इतनी भीड़ थी। और इसी जंगल में ताड़ोबा नेशनल पार्क है, वो घनीभूत जंगल है, बहुत सारे टाइगरों की संख्या है। हमारे 3 साल पहले एक भिक्षु को दबोच लिया था टाइगर ने, विद्या ने जो, तो फिर भी हम कहें अब वो कर्म है, कर्म का विपाक होता है होता है, लेकिन हम अगर हमारे भिक्षु को भी हमारे शिष्य ही थे उनको टाइगर दबोच लिया, फिर भी हम वहाँ से थोड़े भागने वाले हैं। वो तो मैत्री ऐसे नहीं, वेरे न वेरानी समन्ती खुदा जनंग अभेरे ने संबंधी ऐसे रमो सनंतन हो अरे वे खूंखार भी प्राणी क्यों न हो। अभी भी तो सामने आते रहते हैं, ऐसे दिन दहाड़े दिखते रहते हैं, बैठे रहने के बाद भी वो आते रहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं करते। तो मेत्ता ही सबसे बड़ी जो प्रज्ञा से जो ऐसी भावना करते हैं, जो मैत्री की, जो खूंखार प्राणी भी क्यों न हो नजदीक आए तो मैत्री के तरंगों से वो चुपचाप शांत हो जाता है। होता है, भगवान का ज्ञान है, बोधि का ज्ञान है, बोधि के ज्ञान को जो दो धारण करे, अरे बड़ा पवित्र मंगलकारी अपना जीवन को सुखमय, जैसे सुखमय पाए। तो भगवान के सद्धर्म से ही दुनिया को जोड़ सकते हैं, टूटी हुई दुनिया जो है जोड़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध की सद्धर्म के मार्ग से ही टूटी हुई दुनिया को जोड़ा जा सकता है, लोगों का कल्याण केवल बुद्ध के मार्ग से ही हो सकता है। इसलिए बुद्ध के सद्धर्म का स्वीकार करने हेतु ही अपने अनुयायियों को वही काम बांटे में बांटना वही काम दे दिया, और इतना सबसे बड़ा कठिन काम उनके अनुयायियों का है। तो अनुयायियों ने भगवान के सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष ठीक से समझना होगा, तो ही सारा विश्व बुद्ध की ओर में, बुद्ध सद्धर्म की ओर में वह मंडाएगा, सारे विश्व के सारे लोग भगवान के सद्धर्म को अपनाएंगे और सारे सुख चैन से जी पाएंगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करेगा, ऐसे अपने मन को जड़ से, मन के स्वभाव को बदलने में यही श्रोत अपने सकलागामी अनागामी अर्हत प्राप्त करने की जो विद्या है, भगवान के जो अपने मन को वश में करने वाली जो अनापान सती एवं 40 प्रकार के शब्द भावनाओं के कम्मठाने उनका ठीक से अभ्यास करेंगे, विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करेंगे, अपने भीतर की काम तृष्णा बहुत तृष्णा विभो तृष्णाओं का सारा जो पहाड़ है वो सब निकाल करके बाहर करेंगे, और कैसे निर्मल चित्त से काम करने लग जाएंगे, अपने निर्मल स्वभाव से काम करने लग जाएंगे, श्रद्धा मूलक स्वभाव है,
आप लोग चाहे अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इस देश के उस देश के हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा बोलने वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले हो, अरे सभी राग मूलक द्वेश मूलक मोह मूलक चित्त से ही द्वारा काम करते हैं। अशुद्ध चित्त से काम करें तो अशुद्ध बड़ा परिणाम आएगा। बड़ा यही शुद्ध चित्त से काम ही नहीं करना आया तो बड़ा शुद्ध परिणाम कैसे अभी तो रागिता भी तदन द्वेशिता और भी तो मोहिता होकर के जो कहीं श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला कोई काम करता है अपने मन के स्वभाव को बदलने में वह कामयाबी प्राप्त करते हैं। जो अर्य सत्य का साक्षात्कार करता है ऐसे लोग अर्य सत्य का साक्षात्कार करेंगे अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में वह कामयाबी पाएंगे। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करना सीख जाएगा। एक मानव मनुष्य के समान अपना व्यवहार करेगा। मनुष्य का यही सर्वगुण संपन्न वाली यही जो विद्या है भगवान की विद्या है जो जो धारण करे जो अपने दुख से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार करने की क्षमता को प्राप्त करे उसके लिए 10 पारमिताओं की घड़ों की परिपूर्ति करनी होगी तो ही हम यह उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। सभी दुखों से छुटकारा पा करके अंतिमतः निर्वाण का साक्षात्कार कर पाएंगे। यही भगवान की सीख दे दे करके यही उसी पवित्र यही कुशीनारा भूमि में अपना देह त्याग किया महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। हमको तो कोई व्यक्ति मृत हो गया तो कहीं ना कहीं ऐसे जैसे अग्नि का इस्तेमाल करे कोई अगपिटी जलवाए ऐसे लगता है, लेकिन भगवान की जो यहाँ मृत देह था उनकी काया एक नहीं दो नहीं 7 जलाने की कोशिश करी हो कोशिश की लेकिन नहीं जल पाए, उनका मृतदेह भी नहीं जल पाया। क्यों? ऐसे एक हस्ती थी जो वहाँ का शब्द दे मेरे ही द्वारा भगवान की चिता की आखिरी अंतिम तब चिता की जलन मेरे ही हाथ से होगा और किसी ने सम्यक संकल्प किया था तो उन्होंने तो ऐसे अग्नि से नहीं जलाया, ऐसे बैठे बैठे अग्नि कशिन का अभ्यास किया और देखते देखते अपने आप कैसे भगवान की चिता जलने लगी। लोग तो यही और सारे देवता लोगों ने मंदार पुष्प की वर्षा की। हमको तो ये एक बड़ी काल्पनिक लगती है लेकिन काल्पनिक वो बात नहीं है। एक समय वह बोधिसत्व के रूप में एक जय चक्रवर्ती सम्राट सिद्धार्थ गौतम उनका नाम या जो वहाँ उनका उन दिनों उनका नाम यह महासुदर्शन नाम का वह महाचक्रवर्ती सम्राट थे जो यही कुशीनारा वह राजधानी थी पूरे विश्व के सम्राट थे। तो यही पुनित ऐसे भूमि में पहुंच गए बड़ा गदगद हुए तो उस पवित्र भूमि पर क्यों न हम बोधगया सारनाथ और लुम्बिनी और ये कुशीनारा ये चारों ऐसे पवित्र था। लोग तो चार ही धाम करना चाहिए तो चार ही धाम कर लिए ऐसे महसूस कर लिए। खूब मंगल हो भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम साधु।